तो आज का पहला न्यूज निकल के आ रहा है एल्जमिन स्टर्लिंग को लेके। एल्जमिन स्टर्लिंग ने चैलेंज कर दिया है डिएगो लोपेस को। डिएगो लोपेस का जिस तरह का परफॉर्मेंस था यूएफसी 303 में, उसको देख के एल्जमिन स्टर्लिंग ने डिएगो लोपेस को चैलेंज कर दिया है। एल्जमिन स्टर्लिंग ने डिएगो लोपेस से पहले मोफसार एब्लोएव को चैलेंज किया था, लेकिन मोफसार ने उसके साथ फाइट करने के लिए सीधा मना कर दिया था। तो इसलिए एल्जमिन स्टर्लिंग ने कहा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मुझसे फाइट करो या ना करो, मुझसे अगर डिएगो लोपेस फाइट करना चाहेगा तो मैं उसके साथ जरूर फाइट करना चाहूंगा इन फ्यूचर में। तो उसके बाद एल्जमिन स्टर्लिंग ने एक वीडियो भी जारी किया हुआ है, आप वो वीडियो देखिए। Aljamain Sterling versus Diego Lopez at the Spear. So, Diego Lopez, if you oblige, let's make it happen at the Spear, September 14th. तो क्या आपको लगता है कि एल्जमिन स्टर्लिंग के साथ डिएगो लोपेस फाइट करने के लिए मानेगा, और आप ये फाइट देखने में इंटरेस्टेड हो गए या नहीं, वो भी जरूर हमें बताएगा। तो चले चलते हैं अगले न्यूज पे। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है बेनोट सैंडेनिस को लेके। बेनोट सैंडेनिस जिस तरह से हारा था डस्टिन पोरियर के हाथों, उसके बाद बेनोट सैंडेनिस का फाइनली रिटर्न होने वाला है यूएफसी में, वो भी अगेंस्ट आपका रिनाटो मोइकानो के साथ। बेनोट सैंडेनिस फाइट करने वाला है रिनाटो मोइकानो के साथ यूएफसी पेरिस में। ये आपका यूएफसी पेरिस का मेन इवेंट होगा सितंबर 28 को। ये 5 राउंड का फाइट होगा लाइटवेट डिवीजन में बिटवीन आपका रिनाटो मोइकानो वर्सेस बेनोट सैंडेनिस के बीच में। तो आप ये फाइट के लिए इंटरेस्टेड है या नहीं, वो भी जरूर हमें बताएगा। तो अगला न्यूज निकल के आ रहा है अरमान सारुकेन को लेके। हमने आपको कल के वीडियो में कहा था कि चार्ल्स ओलिवेरा का कोच कह रहा है कि इस्लाम अकाचेव का साथ चार्ल्स ओलिवेरा का फाइट बनाना चाहता है। तो इसी को लेके अरमान सारुकेन भी बहुत फायर अप हुआ है, और फायर अप होके सोशल मीडिया में एक पोस्ट शेयर किया हुआ है, और अरमान सारुकेन ने कहा है कि मैं हूँ इस टाइटल के लिए नेक्स्ट, और तुम लोग जो भी सोच रहे हो कि तुम लोग फाइट करने वाले हो, तुम लोग बैठो अभी और बैठ के देखो, मैं जब न्यू चैंपियन बनूंगा तब तुम लोग का मौका आएगा, तुमको मैंने हरा के रखा है तो तुम अभी बीच में मत आओ, तुम बैठो और देखो मुझे। तो ये कहना था अरमान सारुकेन का। तो क्या आपको लगता है कि अरमान सारुकेन के लिए इस्लाम अकाचेव वेट करेगा, या फिर वो फाइट करेगा चार्ल्स ओलिवेरा या फिर किसी और के साथ? तो इस बारे में आपको क्या लगता है, वो जरूर हमें बताइएगा। तो आज का आखिरी न्यूज निकल के आ रहा है जॉर्ज सेंट पियर का कोच को लेके। तो जॉर्ज सेंट पियर के कोच ने कहा है कि अभी का रोस्टर में इस्लाम अकाचेव को लाइटवेट डिवीजन में कोई भी नहीं हरा सकता है। उसको अगर कोई हरा सकता है अभी लाइटवेट डिवीजन में, वो एक ही होगा, और वो होगा खबीब नर्मागोमेदोव। खबीब नर्मागोमेदोव को छोड़ के मैं नहीं देख रहा हूँ कि कोई इस्लाम अकाचेव को हरा है लाइटवेट डिवीजन में। किसी का पास उतना कैपेबिलिटी है ही नहीं कि इस्लाम अकाचेव को वो लाइटवेट डिवीजन में हरा दे और वो बेल्ट को जीते। तो ये कहना था जीएसपी का कोच का। तो इस बारे में आपको क्या लगता है, क्या लाइटवेट डिवीजन में ऐसा कोई फाइटर नहीं है जो इस्लाम अकाचेव को हरा सके? तो इस बारे में आपको क्या लगता है, वो जरूर हमें बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।